चलें जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम लोग जो है ना वो एम्ब्रियोलॉजी जनरल एम्ब्रियोलॉजी देख रहे थे, तो हमने जो है ना तीन लेयर्स बना ली थी। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। आज हम बल्कि हमने कल पढ़ लिया था कि एक्टोडर्म के जो डेरिवेटिव्स हैं वो कौन कौन से हैं, कि एक्टोडर्म से कौन कौन सी चीज़ें बनती है, लेकिन हमने उसको कम्प्लीट नहीं देखा था। जो एक्टोडर्म की डेरिवेटिव्स रह गई हैं वो भी देखते हैं, और आज मेसोडर्म की डेरिवेटिव्स भी देखते हैं। कल हम इंशाल्लाह एंडोडर्म डेरिवेटिव्स देखेंगे। अब एक्टोडर्मल डेरिवेटिव्स, हमने कहा न्यूरल ट्यूब डेरिवेटिव्स होते हैं सबसे पहले हमने देखा, और हमने कहा कि न्यूरल ट्यूब्स की दो तरह के ओपनिंग रह जाते हैं। एक कौन सा ओपनिंग होता है आपका? एंटीरियर न्यूरल पोर, जो कि क्रैनियल एंड की तरफ होता है। दूसरा कौन सा होता है? पोस्टीरियर न्यूरल पोर, जो कि कॉर्डल साइड पर होता है। अगर ये क्लोज ना हो तो इनेंसफेली हो जाएगी, और अगर पोस्टीरियर क्लोज ना हो तो स्पाइनल बफाइडा स्पाइनल इश्यूज होंगे। और ये 24, 25 पे क्लोज होता है, और ये 26, 28 पे क्लोज होता है डे पे। और इसके लिए हमें काफ़ी मकदार में क्या चाहिए होता है? विटामिन बी नाइन चाहिए होता है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि न्यूरल ट्यूब, उसके बाद हमने देखा था कि न्यूरल ट्यूब वो किस किस को क्या 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 बनाती है। हमने कहा न्यूरल ट्यूब मोस्टली क्या बनाती है? CNS बनाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यार अगर आपसे पूछ ले न्यूरल ट्यूब ड्राइव्स इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ओके, अब अगर डिटेल में देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एस्ट्रोसाइट्स, और ये चीज़ें ये हमने कल पढ़ी सारी, ये चीज़ आज याद कर लें। पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मैं मेजर में इसको रिवाइज करूंगा, आपको बताना चाहिए। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, मैंने फार्मूला बताया था, क्रेस्ट सेल इससे ये सारी चीज़ें बनती है। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स इसमें ड्राइव होते हैं। तो हमारा जो आज मेन है वो इसका थर्ड है, दैट इज प्लेकॉर्ड्स। पहला क्या था? न्यूरल ट्यूब। दूसरा न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। तीसरा जो एक्टोडर्म के डेरिवेटिव है वो है प्लेकॉर्ड्स। फिर प्लेकॉर्ड्स किस चीज़ में डेरिवेटिव होते हैं वो हम आज पढ़ते हैं। सही है? छींक आ रही है मुझे लेकिन आ नहीं रही, रुक गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमें कोई याद नहीं करता। चले डॉक्टर जुबैर, आपका जो ओके है ना, ऐसा बहुत कुछ होता है। आपको भी याद है? ओके, डॉक्टर यान कहते हैं कि तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है ज़रा ज़रा। चले देखें प्लेकॉइड्स। अब प्लेकॉइड्स क्या होते हैं? एम्ब्रियो याद रखें, और कुछ याद रहे या ना रहे बाकी भूल जाए। अब देखें हमारे पास न्यूरल ट्यूब, हम देखें तीन लेयर्स थी, ऊपर वाली एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और इसी मेसोडर्म के दरमियान में यहाँ पर क्या, ये अगर मेसोडर्म है, इधर भी मेसोडर्म है, दरमियान में नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब। हमने न्यूरल ट्यूब देख लिया, न्यूरल क्रस्ट सेल्स भी देख लिए। अब एक्टोडर्म से और कौन सी चीज़ बनती है? एक्टोडर्म के कुछ हिस्से होते हैं प्लेकॉइड्स, प्लेकॉइड्स। अब प्लेकॉइड्स क्या होते हैं देखें। अब एक अगर एक्टोडर्म पड़ी हुई है, लेट्स सपोज दैट आपकी एक्टोडर्म पड़ी हुई है, तो एक्टोडर्म में से हमने बाकी सब कुछ देख लिया, हमने एक्टोडर्म की नोटोकॉर्ड देख ली, न्यूरल क्रस्ट सेल्स देख लिए, उसके अलावा न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के अलावा, नोटोकॉर्ड्स के अलावा, इसके कुछ हिस्से थिक होते हैं। किसके? इफ यू लुक एट द टॉप ऑफ द एम्ब्रियो, अगर हम एम्ब्रियो को टॉप से देखें, इस डायग्राम पे फोकस करें, अगर हम इसको टॉप से देखें ऊपर से, तो जब आपकी न्यूरल प्लेट बन रही होती है, जब न्यूरल प्लेट बन रही होती है, उस वक्त जिस वक्त न्यूरल प्लेट बन रही होती है, फिर न्यूरल प्लेट नहीं, न्यूरल ट्यूब बनना होता है। जिस वक्त न्यूरल प्लेट बन रही होती है, उस वक्त अगर आप एम्ब्रियो को टॉप से देखें, ऊपर से टॉप यूज करें, तो आपको कुछ थिकेंड एरियाज नजर आते हैं एट द क्रैनियल साइड ऑफ एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के ऊपर आपको कुछ थिक थिक से एरिया नजर आते हैं, उन एरियाज को हम क्या बोलते होते हैं? प्लेकॉइड्स बोलते होते हैं। क्या बोलते होते हैं? प्लेकॉइड्स। अब ये प्लेकॉइड्स कितने इनको एक्टोडर्मल प्लेकॉइड्स बोलते होते हैं। ये देखें ये थिक सा एरिया, दैट इज कॉल्ड ऑल्फैक्ट्री। इनकी फिर आगे डिफरेंट नेम्स होते हैं, मखसूस नेम होते हैं। ये वाला जो थिक एरिया है किसका है? एक्टोडर्म का है। दिस एरिया इज कॉल्ड ऑल्फैक्ट्री प्लेकॉइड्स। फिर ये और थिक एरिया है, दिस इज कॉल्ड लेंस प्लेकॉइड। फिर उसके बाद ये एक और थिक एरिया है, दैट इज कॉल्ड ओटिक प्लेकॉइड्स। फिर इसके बाद एक इसका एक और होता है, दैट इज कॉल्ड एपी ब्रेकियल प्लेकॉइड्स। लेकिन एपी ब्रेकियल प्लेकॉइड्स फिर तीन प्लेकॉइड्स बनता है, दैट इज ये जेनिकुलेट, नोडूजा एंड पेट्रोसल। ये तीन जो आपके प्लेकॉइड्स हैं ये मिलकर एक प्लेकॉइड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एपी ब्रेकियल प्लेकॉइड। उसके बाद एक और होता है ट्राइजेमिनल प्लेकॉइड, ये दो से बनता है, ऑप्थल्मिक एंड मैक्सीमैंडिबुलर प्लेकॉइड्स। पहले ये सुन लें कि देखें इस डायग्राम को आप रट्टा मार लेना, बस याद कर लेना इसको। प्लेकॉइड्स क्या होते हैं? प्लेकॉइड्स होते हैं कि जब आपकी न्यूरल ट्यूब बन रही होती है,
ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब. अगर उस वक्त आप एम्ब्रियो को टॉप से देखें, ऊपर से एम्ब्रियो को टॉप से देखें, ऊपर वाले व्यू से देखें, तो उस वक्त आपको क्रैनियल साइड पर, किस साइड पर, एक्टोडर्म, जो एक्टोडर्म होती है उसकी क्रैनियल साइड पर आपको थिक थिक से एरिया नजर आते हैं, ऐसे ये थिक एरिया, ऐसे ऐसे इस तरह के, इस तरह के, इस तरह के, इस तरह के बहुत से थिक एरिया नजर आते हैं. इन थिक एरियाज को हम क्या बोलते होते हैं, प्लेकॉइड्स. ये समझ आ गया. अब इन प्लेकॉइड्स की डिफरेंट टाइप्स है कि ये वाला जो थिक एरिया है ये डिफरेंट तरह से थिक होगा, ये वाला डिफरेंट तरह से थिक होगा, ये वाला डिफरेंट तरह से थिक होगा, ये वाला डिफरेंट तरह से थिक होगा. हर किसी की, हर कोई अपने डिफरेंट तरह से थिक होगा, तो जो उनकी शेप है उसकी बुनियाद पर उनको डिफरेंट नेम दिया जाता है. अब इनकी जो टाइप्स है वो डिफरेंट है. सबसे पहले हमने कहा कि ये जो यहां पे पड़े होते हैं बिल्कुल टॉप पे, ये वाले, इनको हम प्लेकॉइड्स बोलते हैं, लेकिन इनका एक मखसूस नाम है, दैट इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी प्लेकॉइड्स. उसके बाद उससे नीचे पड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड लेंस प्लेकॉइड. फिर उसके बाद ये वाले, इनको क्या बोलते हैं, ओटिक प्लेकॉइड्स. फिर उसके बाद दो प्लेकॉइड्स हैं, वो बड़े डिफरेंट एंड सबसे वेरी रेयर है, नॉट बट टू मच इंपॉर्टेंट, बट आपको पता होना चाहिए. एक होते हैं एपीब्रेकियल प्लेकॉइड्स. अब ये प्लेकॉइड्स मजीद तीन से मिलकर बने होते हैं, कौन से, जेनिकुलेट, नोड्यूजा एंड पेट्रोसल. ये तीन, ये देखें, ये देखें, ये तीन प्लेकॉइड्स मिलते हैं तो एक प्लेकॉइड बनता है, दैट इज कॉल्ड एपीब्रेकियल प्लेकॉइड. इसी तरह आपका ट्राइजेमिनल प्लेकॉइड है, ये दो से मिलकर बनता है, ये वाला हिस्सा ऑप्थाल्मिक, ये वाला नीचे वाला, ये मैक्सिमेंडिबुलर, ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, ट्राइजेमिनल प्लेकॉइड. समझ आ गया, प्लेकॉइड समझ आ गए, उसकी डिफरेंट टाइप समझ आ गई है. अब ये ड्राइव किस में होते हैं, ये क्या बनते हैं, ये देखते हैं. अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ऑल्फैक्टरी प्लेकॉइड्स. ऑल्फैक्टरी प्लेकॉइड से क्या बनता होता है, ऑल्फैक्टरी प्लेकॉइड बनाता है एपिथीलियम. क्या बनाता है, एपिथीलियम. लेकिन किसकी एपिथीलियम, जो नेजल कैविटी होती है आपकी, क्या होती है, नेजल कैविटी की, जो रूफ होता है, नेजल कैविटी का रूफ, नेजल कैविटी है ना, नेजल कैविटी की जो रूफ है वो कैसे बनी होगी, एपिथीलियम टिश्यू से. नेजल कैविटी की रूफ कैसे बनी होती है, लेकिन वो एपिथीलियम टिश्यूज कौन बनाता है, ऑल्फैक्टरी प्लेकॉइड्स बनाता है. वो कौन बनाता है, ऑल्फैक्टरी प्लेकॉइड्स. अब ऑल्फैक्टरी प्लेकॉइड्स जो एपिथीलियम टिश्यूज बनाता है, उन एपिथीलियम टिश्यूज में मजीद कौन कौन सी चीजें होती हैं, उसमें आपके पास क्या होते हैं, उसमें आपके पास रिसेप्टर सेल्स होते हैं और सपोर्टिंग सेल्स होते हैं. रिसेप्टर सेल्स को सेंसरी सेल्स बोलते होते हैं ना, सेंसरी सेल्स बोलते होते हैं. तो अब जो सेंसरी सेल्स होते हैं ऑल्फैक्टरी के, उनका काम क्या होता है, स्मेल करना. उनका काम क्या होता है, स्मेल करना. तो ये आपका जो ऑल्फैक्टरी प्लेकॉइड्स होते हैं ये बनाते होते हैं. फिर सुन लें, प्लेकॉइड समझ आ गया, डिफरेंट टाइप समझ आ गई, याद रह जाएंगी. अब जो ऑल्फैक्टरी प्लेकॉइड है वो क्या बनाता है, वो बनाते हैं एपिथीलियल टिश्यूज ऑफ नेजल कैविटी रूफ, रूफ ऑफ द नेजल कैविटी. अब जो एपिथीलियल टिश्यूज होते हैं उसमें मजीद कौन कौन से सेल्स बनाता है, ये कौन से सेल्स बनाता है, रिसेप्टर सेल्स जो कि सेंसरी सेल्स होते हैं, और साथ में स्पोर्टिंग सेल्स बनाते हैं. जो रिसेप्टर सेल्स है, सेंसरी सेल्स है आपकी नोज में, उनका काम क्या होता है, सेंस करना. किसको सेंस करना, स्मेल को. तो ये आपका ऑल्फैक्टरी प्लेकॉइड्स होता है. तो ऑल्फैक्टरी प्लेकॉइड्स समझ आ गया यार, ऑल्फैक्टरी नाम खुद बता रहा है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मेल. मैं नाक के बारे में बात कर रहा हूं. तो नाक में जो आपके एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो कैसे बनते हैं, ऑल्फैक्टरी से, ताकि स्मेल को फील कर सके. तो आज पता चल गया कि नाक में जो वो स्मेल वो महसूस करते हैं, वो जो रिसेप्टर्स है वो कौन बनाता है, कौन बनाता है, ऑल्फैक्टरी प्लेकॉइड्स. अगर ऑल्फैक्टरी प्लेकॉइड्स की बात ना हो तो सिर्फ प्लेकॉइड्स, प्लेकॉइड्स की बात ना हो तो फिर कौन बनाता है, एक्टोडर्म. एक्टोडर्म, एक्टोडर्म बनाते हैं, सही है. एक्टोडर्म से पीछे जाए तो क्या बनाता है, एपिब्लास्ट. एपिब्लास्ट की बात कर सकते हैं फिर आप, सही है. उसके बाद जो दूसरा है वो कौन सा हमारे पास, लेंस. वो पता चल गया होगा आपको, है ना, लेंस. अब लेंस प्लेकॉइड्स, लेंस प्लेकॉइड्स क्या बनाता है, ये क्या बनाता होता है, लेंस फाइबर सेल्स, लेंस फाइबर सेल्स पहला, और दूसरा वही लेंस, लेंस एपिथीलियल सेल्स, लेंस फाइबर सेल्स, लेंस एपिथीलियल सेल्स. मीन दैट लेंस बनाता है, क्या बनाता है, लेंस बनाता है. किसका, आई वाला लेंस. और आई वाला लेंस का काम क्या होता है कि दूर वाली चीज को फोकस करना और करीब वाली चीज को स्प्रेड करके दिखाना, ताकि प्रॉपर डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे कोई चीज देखना है, मतलब विजन में काम आता है. तो लेंस प्लेकॉइड किस में काम आता है, लेंस बनाने में काम आता है. और लेंस आपको पता है आई में देखने में काम आता है. दैट्स इट. डॉक्टर जुबैर हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, क्या हुआ है, हैं, किस चीज पे, लेक्चर पे फोकस कर रहे हैं, चलें, वेरी गुड. अगर लेक्चर पे फोकस कर रहे हैं तो वेल एंड गुड. उसके बाद तीसरा, ओटिक. अब ओटिक आप समझ गए होंगे, नहीं समझे,
चले मैं समझा देता हूँ। ओटेक जो है ना वो एयर बनाता है, लेकिन कौन सा एयर? इनर एयर। कौन सा? ये वाला ओटेक, ये इनर एयर बनाता है। क्या बनाता है? इनर एयर। अब इनर एयर के भी पार्ट्स होते हैं, इनर एयर के कुछ स्ट्रक्चर्स बनाता है, कौन कौन सी? सबसे पहले बनाएगा कोकलिया, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द हियरिंग। सबको पता होता है हियरिंग और साउंड वेव्स को जो वो करता है, हियरिंग में जो काम आता है कोकलिया, जो कि आर्गन है किसका? इनर एयर का, इनर एयर का पार्ट है, सही है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ें बनाता है वो होती है वेस्टिबुल। अब वेस्टिबुल और तीसरी चीज़ जो बनाता है वो क्या होता है आपका? तीसरी चीज सेमी सर्कुलर कैनाल। ये तीनों स्ट्रक्चर्स इनर एयर की होती है। अब ओटिक जो आपका प्लेकॉइड होता है, ये क्या बनाता होता है? इनर एयर। और इनर एयर में क्या क्या बनाता होता है? कोकलिया, वेस्टिबुल और सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल। अब जो कोकलिया होता है वो मैंने बता दिया आपको, किस काम आता है ये? साउंड वेव्स और हियरिंग में काम आता है, सही है। और जो आपका वेस्टिबुल होता है वो किस में काम आता है? स्टेटिक इक्विलिब्रियम में। किस में? स्टेटिक इक्विलिब्रियम में। और जो सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में। कौन बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम? कौन बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम? डॉक्टर जुबैर हंसी हो रही है आपकी, आंसर ही बता दें। रुक गए। जो स्टेटिक इक्विलिब्रियम होती है, इक्विलिब्रियम क्या होती है? कि आपकी बॉडी को मेंटेन रखना, स्टेबल रखना, सही है। लेकिन किस वक्त? जब आप मोशनलेस हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेटिक इक्विलिब्रियम। और जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, व्हेन यू आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देन उसका जो बैलेंस है वो मेंटेन रखना, दैट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो जब आप मूव कर रहे होते हैं आपका बैलेंस कौन मेंटेन रखता है? सेमी सर्कुलर कैनाल के जरिए। और जब आप रेस्ट में होते हैं, मोशनलेस होते हैं, दैट इज वेस्टिबुल। तो फिर सुन लें, ओटिक क्या बनाता होता है? इनर एयर बनाता है। इनर एयर का कोकलिया, दैट हेल्प्स इन हियरिंग, वेस्टिबुल दैट हेल्प्स इन स्टेटिक इक्विलिब्रियम, एंड इट फॉर्म द सेमी सर्कुलर कैनाल दैट हेल्प्स इन द डायनामिक इक्विलिब्रियम। तीनों हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट थे पहले कोर्स में, ये इंपॉर्टेंट थे। जो अगले दो में पढ़ाने लगा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, रेयर है, वो याद नहीं रखने तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये तीन याद रहने चाहिए, ये एग्जाम के बारे से बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। अब अगला है एपिब्रेकियल प्लेकॉइड। हमने कहा एपिब्रेकियल प्लेकॉइड तीन चीज़ें मिलकर बनता है, जेनिकुलेट, नोड्यूजा एंड पेट्रोसल। ये प्लेकॉइड्स होते हैं, ये तीनों प्लेकॉइड्स गैंगले बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेट्रोसल। जो पेट्रोसल प्लेकॉइड होगा वो क्या बनेगा? पेट्रोसल गैंग्लिया। जो नोडोजा प्लेकॉइड होगा वो नोडोजल गैंग्लिया। जो जेनिकुलेट प्लेकॉइड होगा वो क्या बनेगा? जेनिकुलेट गैंग्लिया। फिर ये जेनिकुलेट गैंग्लिया क्या बनाते हैं? तीनों चीजें मिलकर क्या बनाते हैं? एपिब्रेकियल एपिब्रेकियल प्लेकॉइड्स। फिर एपिब्रेकियल प्लेकॉइड्स मतलब ये तीनों उसमें क्या आ गए? गैंग्लिया आ गए। और इसका मतलब है कि ये हमारे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो नर्व्स हैं वो बनाने के काम आती है, सही है। ये क्या बनाते होते हैं? पेरिफेरल नर्व्स बनाते होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें काम आता है, सही है। और जो ट्राइजेमिनल होता है, इट मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, ऑप्थाल्मिक एंड मैक्सिलोमैंडिबुलर। और ये भी क्या करता है? ट्राइजेमिनल गैंग्लिया बनाता है, मतलब वही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ बनाता है, सही है। ओके, बस ये इन दोनों के बस हल्का हल्का से याद हो, नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। बाकी आपको समझ आ गया बाकी प्लेकॉइड्स क्या होते हैं और वो किसको गिव राइज करते हैं? तीन याद हो, ऑल्फैक्टरी, नोज, लेंस, आई, ओटिक, एयर, इनर एयर, सही है। उसके बाद जो एक्टोडर्म की चौथी चीज है, दैट इज कॉल्ड सरफेस एक्टोडर्म। पहली न्यूरल ट्यूब, दूसरी न्यूरल क्रस्ट सेल, तीसरी प्लेकॉइड्स, चौथी सरफेस एक्टोडर्म। अब सरफेस एक्टोडर्म क्या कहलाती है भाई? अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास एक्टोडर्म है, तो इसमें से कुछ हिस्सा किस में चला गया भाई? न्यूरल ट्यूब में, कुछ नोटोकार्ड में, कुछ न्यूरल क्रस्ट सेल्स में चला गया, कुछ किस में आ गया? प्लेकॉइड्स में। कुछ किस में आ गया? प्लेकॉइड्स में। इसके बाद ये सब खत्म होने के बाद जो हिस्सा बच गया किसका? एक्टोडर्म का। जो हिस्से बच गए दैट इज कॉल्ड सरफेस एक्टोडर्म। नहीं समझ आई ये चीज? आ गई समझ? सबको समझ आ गई है? बाकी बात है डॉक्टर जुबैर कि देखें, न्यूरल ट्यूब, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, प्लेकॉइड्स हो गए, बाकी जो हिस्सा बच जाएगा, जो सरफेस बच जाएगी उसकी, दैट इज कॉल्ड सरफेस एक्टोडर्म। अब सरफेस एक्टोडर्म क्या बनाती होती है? एक चीज याद रख लें, एक चीज सब याद हो जाएगा, कि ये एपिथेलियल टिश्यू बनाती होती है। क्या बनाती होती है? एपिथेलियल टिश्यू। सरफेस एक्टोडर्म क्या बनाती है? एपिथेलियल टिश्यूज। लेकिन किसके एपिथेलियल टिश्यूज? आपकी स्किन की जो एपिडर्मिस होती है उसकी एपिथेलियल टिश्यू, उधर होती है ना एपिथेलियल टिश्यूज, तो वो कौन बनाता है? सरफेस एक्टोडर्म, मतलब एक्टोडर्म बनाती है। और नेल्स कौन बनाता है? सरफेस एक्टोडर्म, उसके एपिथेलियल टिश्यूज, हेयर के एपिथेलियल टिश्यूज, स्वेट ग्लैंड्स के एपिथेलियल टिश्यूज, लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी। बट कीप इन माइंड,
लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी एक्सेप्ट रूफ, रूफ के एपिथेलियल टिश्यूज कैसे बन रहे थे? अभी ऊपर देखें, रूफ के जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो कैसे बन रहे हैं? ऑल्फैक्टरी प्लेकॉइड से, सही है, लेकिन जो बाकी लाइनिंग है वो सारी कैसे बनेगी? सरफेस एक्सुडर्म से। उसके बाद लाइनिंग ऑफ ओरल कैविटी, एक्सटर्नल एयर की लाइनिंग जो एपिथेलियल टिश्यूज है वो कैसे, सॉरी नॉट एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एयर कैनाल नहीं होती, एक्सटर्नल एयर कैनाल, ये पिना एक्सटर्नल एयर कैनाल, फिर उसके बाद आपका मिडल एयर स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद इनर एयर होता है। तो ये जो कैनाल है दैट इज, इसकी जो एपिथेलियल लाइनिंग है वो कैसे बनती है? सरफेस एक्टोडर्म से। फिर उसके बाद लाइनिंग ऑफ इन्फीरियर एनस, एनस लाइनिंग ऑफ इन्फीरियर एनस वो भी जो उसकी एपिथेलियल होती है वो भी कैसे बनती है? सरफेस एक्टोडर्म से बनती होती है। तो पहली चीज तो ये कि सरफेस एक्टोडर्म क्या बनाती है? एपिथेलियल टिश्यूज ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। उसके बाद सरफेस एक्टोडर्म क्या बनाती है? रक्त को, रक्त के पाउचेस, रक्त के पाउचेस क्या होते हैं भाई? अब हमने पढ़ा कि सरफेस एक्टोडर्म एपिथेलियल टिश्यू बनाती है लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी। अब एक चीज आपको याद होनी चाहिए, ऊपर से हमने कहा था हाइपोथैलेमस न्यूरल ट्यूब से क्या बनता है? हाइपोथैलेमस। और न्यूरल ट्यूब से क्या बनती है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। याद आ रहा है कि न्यूरल ट्यूब क्या बनाती है? हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है। क्या हो गया? हाँ, पैरेंटल ग्लैंड बनाती है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं न्यूरल ट्यूब क्या बनाती है? हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ओके। अब जो आपकी नेसोफेरिंक्स होती है, नेजल जो कैविटी होती है उसकी जो नेसोफेरिंक्स, वहां पर आपकी सरफेस एक्टोडर्म से एक बडिंग निकलती है, ये वाली बडिंग नजर आ रही है। चले मैं ऊपर बना देता हूं कि लेट्स सपोज दैट ये आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये क्या हो गया, जो जो कैसे बन रही है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी कैसे बने? न्यूरल ट्यूब से। अब मैं कहता हूं कि नीचे आपकी ये क्या पड़ी थी? नेजल कैविटी, उसकी लाइनिंग थी, लाइनिंग को कौन बना रहा था? सरफेस एक्टोडर्म। अब सरफेस एक्टोडर्म पे ये वाली बडिंग होगी, यहां पर सरफेस एक्टोडर्म पे नेजल कैविटी के अंदर ये वाली बडिंग निकलेगी। दिस बडिंग इज कॉल्ड रक्त के पाउच, दिस बडिंग इज कॉल्ड रक्त के पाउच। अब ये रक्त के पाउच मजीद बड ऑफ हो गए, डिफरेंशिएट होगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर पिट्यूटरी। तो आगे जाके इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स मिलेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड बन जाएगा। तो इस तरह आपका पिट्यूटरी ग्लैंड बन गया। तो अगर मैं पिट्यूटरी ग्लैंड का पूछूं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन बनाता है? न्यूरल ट्यूब। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन बनाता है? सरफेस एक्टोडर्म। सही है, दोनों एक्टोडर्म से आ रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी कैसे बनता है? न्यूरल ट्यूब से। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे बनता है? सरफेस एक्टोडर्म से। ओके, ये देखिए डायग्राम मैंने बनाई हुई है कि न्यूरल ट्यूब से हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और नेसोफेरिंक्स नेजल कैविटी ग्लैंड से रक्त के पाउच बनता है, ये वाला पहले, फिर उस रक्त के पाउच मजीद वो डिफरेंशिएट होता है आपकी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, और जो आपका ये वाली बडिंग थी ये किसमें? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। दोनों मिलकर क्या बना देंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड बना देंगे। ओके डॉक्टर अयान, स्पीड मेरी कुछ तेज तो नहीं है? सही है, पक्की बात है, सब मुत्तफिक करते हैं, पक्की बात है। माशाल्लाह आज बड़े खूबसूरत लग रहे हैं डॉक्टर अब्दुल्ला। चले रक्त के पहुंच, इन्वेजिनेशन और बडिंग ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज अलॉन्ग द नेसोफेरिंक्स, दिस बडिंग गिव्स राइज टू एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दैट फ्यूजेस विद द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रीकर्सर फ्रॉम द हाइपोथैलेमस फाउंड बाय द न्यूरल ट्यूब टू फॉर्म द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एक्टोडर्म की जो चार चीजें थी, न्यूरल ट्यूब, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, प्लेकॉइड्स और सरफेस एक्टोडर्म, वो चारों समझ आ गए, उनसे क्या क्या डेरिवेटिव्स हैं वो समझ आ गए, पक्की बात है। मैंने इसकी रीडिंग नहीं कराई, आप लोग इसकी रीडिंग कर लेंगे, हैं? बाकी मैंने वैसे उसमें बता दिया मोस्टली सब कुछ। चलें जी, अब दूसरी लेयर कौन सी थी? मेसोडर्म। अब मेसोडर्म के डेरिवेटिव्स देखते हैं, बस थोड़ा सा, बस दो ही पेजेस हैं, एक ये पेज है और ये आधा सा पेज है, सही है। चलें जी, इस डायग्राम को आपने समझना है। इस डायग्राम में मैं कहता हूँ ये मेरे पास क्या पड़ा हुआ है? नोटोकार्ड पड़ा हुआ है, और ये इसके ऊपर ये क्या बन रही है? न्यूरल ग्रूव बन रही है, और न्यूरल ग्रूव आगे क्या बनाएगी? न्यूरल ट्यूब बनाएगी। क्या बनाएगी? न्यूरल ट्यूब बनाएगी। अब मैं कहता हूं अगर जो आपका नोटोकॉर्ड है ये ग्रोथ हार्मोन और SSH सोनिक, सोनिक ये क्या लफ्ज है, जो भी है प्रोटीन ये बनाता होता है, ये लफ्ज मुझे पढ़ना नहीं आता, चाहिए हेजीहॉग जो भी है, सोनिक हेजीहॉग SHH प्रोटीन या फिर आपकी ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन, ये वाली ग्रोथ हार्मोन,
आपका नोटो कार्ड ये दोनों रिलीज करता है, जब ये रिलीज करता है तो ये किसके पास जाते हैं, आपके न्यू रिलेशन कराते हैं, याद आ रहा है, याद आ रहा है, नोटो कार्ड ग्रोथ हार्मोन्स और ग्रोथ प्रोटीन्स रिलीज करता था जो कि आपकी न्यूरल प्लेट बनाते थे, फिर न्यूरल प्लेट के बाद क्या बनती है, न्यूरल ग्रूव, फिर न्यूरल ट्यूब बनती है। तो पहली चीज तो नोटो कार्ड ये काम करता है। दूसरी चीज, नोटो कार्ड आपका ग्रोथ हार्मोन और एस्ट्रोजन जब रिलीज करता है तो ये पहली चीज तो एक्टोडर्म के पास जाके उससे न्यूरल ट्यूब बनाते हैं। दूसरी चीज ये जाते हैं मेसोडर्म के पास, किसके पास, जो इधर मेसोडर्म पड़ी होती है, इधर इधर मेसोडर्म के पास जाते हैं और मेसोडर्म को ट्रिगर करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं तीन पार्ट्स में। हमने मेसोडर्म के तीन पार्ट्स पढ़े थे, याद आ रहे हैं हल्के हल्के, हमने कहा था उसके तीन पार्ट्स होते हैं। तो वो तीन पार्ट्स कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले मैंने कहा कि नोटोकार्ड जो ना क्या रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन एंड SHH, ये क्या करता है, सबसे पहले एक्टोडर्म के पास जाता है, उसको न्यूरोलेशन कराता है, ये आपको याद होगा पीछे मैंने पढ़ाया हुआ है। और दूसरा काम ये क्या करता है कि यही ग्रोथ हार्मोन, यही SHH मेसोडर्म के पास जाते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं थ्री पार्ट्स में, किसमें, थ्री पोर्शंस में। वो थ्री पोर्शन कौन कौन से हैं, इधर ही देख लें, ये वाला हिस्सा, लेट मी चेंज द कलर, सबसे पहले ये वाला देख लें, नजर आ रहा है ये वाला रंग। अब दिस इज कॉल्ड पेर एक्सियल मेसोडर्म, दैट इज द मोस्ट मीडियल, मीडियल का मतलब है कि दरमियान में इस तरफ पड़ा हुआ, मीडियल साइड की तरफ पड़ा हुआ, इधर से भी दो हिस्से, तो ये इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, पेर एक्सियल मेसोडर्म। फिर उसके बाद ये दरमियान वाला हिस्सा, ये वाला, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट मेसोडर्म। फिर उसके बाद लेटरल, सबसे आखिर वाला, ये वाला, दैट इज कॉल्ड लेटरल मेसोडर्म। तो वो खुद बता रहा है, पेर एक्सियल मेसोडर्म जो कि सबसे मीडियल साइड पे है, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट मेसोडर्म, फिर उसके बाद लेटरल मेसोडर्म। हमने कहा था लेटरल मेसोडर्म के फिर दो पार्ट्स होते हैं, याद आ रहा है, एक अगर ये हम दो लेयर जैसे कर लें, एक लेयर ऊपर की तरफ, दैट इज टुवर्ड्स द, ये क्या, एक्टोडर्म, और एक लेयर नीचे की तरफ, दैट इज टुवर्ड्स द एंडोडर्म। अब इसके दो पार्ट्स बनेंगे, किसके, लेटरल के, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। जो ऊपर की तरफ बनेगा इसको हम बोलते हैं सोमेटोप्लूरे या फिर सोमेटिक पार्ट, जो नीचे की तरफ बनेगा इसको हम स्प्लैंकोप्लूरे या फिर स्प्लैंकनिक पार्ट। तो इस तरह इसकी आपकी मेसोडर्म के कितने पार्ट्स बन गए, तीन, और जो तीसरा है उसके दो, ठीक है। तो देखें, द नोटोकार्ड सेक्रीट्स प्रोटीन्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स लाइक GH एंड SHH, सोनिक हेडहॉग, जो भी प्रोटीन, व्हिच स्टिमुलेट्स द एक्टोडर्म सेल्स टू प्रोलिफरेट एंड अंडरगो द न्यूरोलेशन प्रोसेस, दीस GH एंड SHH आल्सो ट्रिगर द एडजेसेंट मेसोडर्म टू डिफरेंशिएट इनटू पेरएक्सियल, मोस्ट मीडियल, इंटरमीडिएट एंड लेटरल प्लेट मेसोडर्म। इट इज द मोस्ट लेटरल व्हिच फर्दर गिव्स राइज टू सोमेटिक लेयर या फिर सोमेटोप्लूरे, दैट इज टुवर्ड्स द एक्टोडर्म, एक्टोडर्म की तरफ है, एंड स्प्लैंकनिक लेयर स्प्लैंकोप्लूरे, दैट इज टुवर्ड्स द एंडोडर्म, जो के एंडोडर्म की तरफ है। ओके, तो मेसोडर्म के ये तीन पार्ट समझ आ गए कौन कौन से होते हैं, पक्की बात है। अब आगे मूव करते हैं, अब हम पहले नंबर वन पर करते हैं पेरएक्सियल, पेरएक्सियल मेसोडर्म। अब पेरएक्सियल मेसोडर्म आगे किस में डिफरेंशिएट होती है, हम वो पढ़ते हैं, इस डायग्राम पे आपने फोकस करना। अब इस डायग्राम को पहले समझें कि ये डायग्राम है क्या, देखें ये आपके ऊपर क्या पड़ी हुई है, ये वाली एक्टोडर्म, ये क्या पड़ी हुई है एंडोडर्म, ये वाली क्या पड़ी हुई है न्यूरल ट्यूब, न्यूरल ट्यूब के नीचे क्या पड़ा होता है नोटोकार्ड, है ना, नोटोकार्ड पड़ा हुआ है। उसके बाद ये दरमियान वाली कौन सी लेयर है, ये वाली मेसोडर्म, मेसोडर्म के हम के तीन पार्ट्स किए हुए हैं, ये वाला मोस्ट मीडियल वन पेरेक्सियल, फिर ये वाला इंटरमीडिएट, और फिर ये जो दो ब्रांच में जा रहा है, ये वाला और ये वाला लेटरल, फिर लेटरल के दो पार्ट्स हैं, ऊपर वाला सोमेटिक, नीचे वाला स्प्लैंकनिक। ओके, अब ये डायग्राम समझ आ गई। अब होता क्या है, अब ये जो अब हम पेरेक्सियल को पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे, हम पेरेक्सियल पकड़ रहे हैं कि ये आगे कैसे डिफरेंशिएट होता है और क्या क्या बनाता है, अब इसको पकड़ेंगे, फिर इंटरमीडिएट को पकड़ेंगे, फिर हम किसको पकड़ेंगे लेटरल को, फिर बाद ही खत्म, फिर कैलेंडर पढ़ेंगे, सही है, स्टोरी 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 मेंटेन रखनी है, इंटरेस्ट बना के रखना है, इंटरेस्ट कहीं नहीं जाने देना। डॉक्टर जुबैर यार बता ही दे, क्या राज है आपके हंसने का आज, हैं क्या हुआ, चले मुस्कुराते रहे यार क्या कर सकते हैं, चले अब पकड़े हम पेरेक्सियल मेसोडर्म को, चले छोड़े, चले अब पेरेक्सियल मेसोडर्म, पेरेक्सियल मेसोडर्म में क्या होता है, सबसे पहले पेरेक्सियल मेसोडर्म में ये होता है कि अब इसमें जो सेल्स है वो उसकी सेगमेंटेशन होती है, कि अगर ये एक सेल है ऐसे, अगर ये पूरे पेरेक्सियल मेसोडर्म है तो इसकी सेगमेंटेशन होगी इस तरह, इस तरह, इस तरह, अब ये एक सेगमेंट अलग से बन गया,
ये और सेगमेंट, ये और सेगमेंट, ये और सेगमेंट, ज्यादा सेगमेंट्स बन गए ना। इन सेगमेंट्स को बोलते हैं चंक्स। क्या बोलते हैं? चंक्स। क्या बोलते हैं? चंक्स। या तो इनको हम चंक्स कहते हैं, या इनका एक और नाम होता है सुमाइट्स, जो कि बुक्स में नाम ये लिखा होता है सुमाइट्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं? सुमाइट्स बोलते हैं। तो मैंने क्या कहा, पर एक्सियल मेसोडर्म सेगमेंट्स बनाएगा, उन सेगमेंट्स को क्या बोलेंगे? चंक्स या फिर सुमाइट्स। तो ये सुमाइट्स, और उन सुमाइट्स के बीच में इधर एक कैविटी बन जाती है। हर सुमाइट के बीच में कैविटी बन जाती है, कैविटी बन जाती है, कैविटी बन जाती है। दिस कैविटी इज कॉल्ड सुमाइटोसील। दिस कैविटी इज कॉल्ड सुमाइटोसील। तो कब तक हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले पैर एक्सियल मेसोडर्म की क्या होगी? सेगमेंटेशन होगी। हर सेगमेंट को क्या बोलेंगे? सुमाइट या चंक्स बोलेंगे। हर सेगमेंट के बीच में कैविटी प्रोड्यूस होगी, दैट इज कॉल्ड सुमाइटोसील। क्या होगी? सुमाइटोसील। अब यहां तक, और ये बीच में क्या पड़ी है? न्यूरल ट्यूब पड़ी हुई है। और न्यूरल ट्यूब के इर्द गिर्द ये आपका इस साइड पे भी ये वाला पैराक्सियल मेसोडर्म, और इस साइड पे ये वाला पैराक्सियल मेसोडर्म, और उसके बहुत से सुमाइट्स बने, और हर सुमाइट के अंदर क्या बन गया? सुमाइटो सील बन गया, कैविटी बन गई। समझ आ गया भाई? अब ये डायग्राम फिर आ जाए। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, पैराक्सियल मेसोडर्म, लेकिन मैंने उसका एक सुमाइट ले लिया, अंदर उसकी क्या है? कैविटी है। सही है। न्यूरल ट्यूब, नोटोकॉर्ड, इंटरमीडिएट और ये लैटरल। अब इसको आगे लेके जाए। अब यही आपका जो सुमाइट होता है ये वाला, अब ये सुमाइट किस में जाता है? ये तीन पोर्शन बनाता है, मजीद तीन पोर्शन। अब मेसोडर्म थी उसके तीन पोर्शन, पैराक्सियल पहला था, मिडिल वन, उसके मजीद तीन पोर्शन। कौन कौन से? अब इस तरह उसके तीन पोर्शन बनते हैं, ऊपर वाला, मिडल वाला और सबसे नीचे वाला। जो ऊपर वाला होता है उसको हम डॉर्सल बोलते हैं। ये ऊपर की तरफ डॉर्सल साइड होती है, नीचे की तरफ वेंट्रल साइड होती है। जॉक सैक की तरफ वेंट्रल साइड, और एमनियोटिक कैविटी की तरफ ऊपर की तरफ डॉर्सल साइड। अब ये वाली जो लेयर है दैट इज कॉल्ड डर्माटोमे, फिर मिडल वाली मायोटोमे, फिर सबसे नीचे वाली स्क्लेरोटोमे। ठीक है नाम। अब यार जो ऊपर वाली है वो डर्मेस होती है ना, तो वो डर्मेटोमे, डर्मेस से, और बीच वाली को हमेशा हम मायोकार्डियल, वो बीच पढ़ते आ रहे हैं, बीच वाली मायो से, तो मायोटोमे, और फिर जो आखिरी रह जाती है दैट इज स्क्लेरोटोमे। तो इस तरह आप तीन नाम इनके याद रख लें। याद हो गए तीनों नाम कि पैराक्सियल के तीन नाम, सबसे पहले मेसोडर्म के तीन, फिर मेसोडर्म का सबसे जो मीडियल है पैराक्सियल, पैराक्सियल, पैराक्सियल के फिर मजीद तीन, डर्माटोमे, मायोटोमे एंड स्क्लेरोटोमे। अब डर्माटोमे ये मैंने आपको अभी यहां तक पढ़ा लिया। अब डर्माटोमे, डर्माटोमे जब माइग्रेट टुवर्ड्स द न्यूरल ट्यूब, न्यूरल ट्यूब क्या बनाती थी भाई? सीएनएस बनाती है न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब क्या बनाती है? सीएनएस और स्किन। न्यूरल ट्यूब क्या बनाती है? सीएनएस प्लस स्किन। सीएनएस में कौन सी दो चीजें आती हैं? ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो आपका ये बना है, क्या बना है अभी? डर्माटोमे। डर्माटोमे क्या करता है? ये जो आपकी न्यूरल ट्यूब पड़ी हुई है, ये इसकी तरह माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, और जो डर्मा, जो न्यूरल ट्यूब है उसको इर्द गिर्द से ऐसे सराउंड कर लेते हैं। अब न्यूरल ट्यूब का काम है क्या बनाना? सीएनएस बनाना। अब सीएनएस के इर्द गिर्द, सीएनएस किसने बनाया? न्यूरल ट्यूब ने। न्यूरल ट्यूब के इर्द गिर्द क्या पड़ा हुआ है? डर्माटोमे। तो साफ जाहिर है कि सीएनएस की जो ऊपर वाली लेयर्स होंगी वो फिर कौन बनाएगा? डर्माटोमे। समझ आ गया पॉइंट गेन किया आप लोगों ने? तो उसके इर्द गिर्द क्या पड़ा होता है? डर्माटोमे। तो डर्माटोमे क्या बना देता है? ब्रेन को छोड़ दे, ब्रेन का नहीं बल्कि स्पाइनल कॉर्ड की जो मेनिंजीज होती हैं, ये आउटर लेयर होती है ना उसकी, वो कौन बना देता है फिर? डर्माटोमे। समझ आ गई चीज? गेन किया आपने? अच्छा, उसके बाद ये स्पाइनल, स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द जो स्पाइनल मेनिंजीज होती है वो बनती होती है, उसकी कनेक्टिव लेयर जो होती है। अब डर्माटोमे आल्सो गिव राइज टू डर्मस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द स्किन, क्योंकि न्यूरल ट्यूब भी स्किन में इन्वॉल्व है, तो ये भी किस में इन्वॉल्व होती है फिर? स्किन में। उसके जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं डर्मस और सबक्यूटेनियस टिश्यूज, वो कौन बना देता है? डर्माटोमे। समझ आ गया? पक्की बात है? उसके बाद मायोटोमे, मायोटोमे के बारे में आपने याद रखना है कि स्केलेटल मसल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्केलेटल मसल्स। और दो इंपॉर्टेंट, इनको डिटेल में हम जब स्केलेटल सिस्टम की डेवलपमेंट देखेंगे डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे, अभी इतना याद रखें कि मायोटोमे क्या बनाती है? एम से क्या रखना है? एम से मसल्स, एम से मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स बनाती है, लेकिन कौन से? एक्सियल मसल्स मीन द डॉर्सल मसल्स ऑफ योर बैक, आपकी बैक के डॉर्सल मसल्स वो बनाती है, एंड ट्रंक एंड लिम्ब, तो आपकी ट्रंक के और लिम्ब के जो मसल्स हैं वो भी, वो हेपएक्सियल मसल्स उनको बोलते हैं। तो एपेक्सियल मसल्स एंड हेपएक्सियल मसल्स, ये कौन बनाता है? मायोटोमा बनाता है। थर्ड लेयर कौन सी है? स्क्लेरोटोमा। स्क्लेरोटोमा क्या बनाती है? वर्टिब्रा, वर्टिब्रा के पार्ट्स बनाती है, यानी उसकी बॉडी बनाती है, स्पाइनस प्रोसेस बनाती है, वर्टिब्रल प्रोसेस, और उसके बाद इंटरवेंट्रिकुलर डिस्क्स भी और रिब्स भी, ये कौन बनाता होता है? स्क्लेरोटोमा। तो अगर मैं पूछूं
वर्टिब्रा किससे बनता है? आप कहेंगे सर जी स्क्लेरेटोमा। स्क्लेरेटोमा ना पूछू, अगर मैं ऑप्शन दे दूं पैराक्सियल इंटरमीडिएट एंड लेटरल तो आप क्या कहेंगे? पैराक्सियल। अगर मैं पैराक्सियल का ऑप्शन ना दूं एंडोडर्म एक्टोडर्म और मेसोडर्म बोलूं आप क्या कहेंगे? मेसोडर्म। ओके समझ आ गई है? तो उसके तीन पार्ट्स थे पैराक्सियल इंटरमीडिएट एंड लेटरल। हमने किसको पकड़ा? पैराक्सियल को, मोस्ट मीडियल वन होता है। फिर हमने उसके सोमाइट्स बनाए, फिर कैविटी सोमेटोसोल बनाया, फिर सोमेटोसोल से तीन लेयर्स बनाई डर्माटोमे मायोटोमे एंड स्क्लेरेटोमे। डर्माटोमे हमने कहा न्यूरल ट्यूब के इर्द गिर्द चली जाती है, तो न्यूरल ट्यूब क्या बनाती है? सीएनएस स्पाइनल कार्ड। तो ये स्पाइनल कार्ड की जो इर्द गिर्द की मेनिंजीज होती है स्पाइनल मेनिंजीज वो बना देता है, और न्यूरल ट्यूब और क्या बनाती है? स्किन। तो ये भी स्किन के जो डर्मेस और सबक्यूटेनियस के जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो भी क्या बना देता है आपका? डर्माटोमे। मायोटोमे से क्या? मसल्स, स्केलेटल मसल्स कौन से? एपेक्सियल एंड हेपेक्सियल। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? स्क्लेरेटोमे। और स्क्लेरेटोमे आपने वर्टिब्रा इंटरवर्टिब्रल डिस्क और रिब्स याद। हो गया, पक्की बात है। ये उसका मोस्ट मीडियल पार्ट था, दैट वाज पैराक्सियल। अब हम देखते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट अब ये वाला हो गया पैराक्सियल, इसको हमने खोल के देख लिया। अब हम ये वाला देखते हैं इंटरमीडिएट, कि इंटरमीडिएट क्या होता है और ये कैसे बनता है। ओके इंटरमीडिएट टू द स्ट्रेट फॉरवर्ड, सो सिंपल सो इजी। क्या याद रखना आपने इसमें, कि ये इंटरमीडिएट जो पार्ट है डेरिवेटिव्स ऑफ इंटरमीडिएट उससे क्या चीजें बनती होती हैं। सिंपल सा याद रखने का तरीका है, आपने दो चीजें याद रखनी है बस। आपने क्या याद रखना है? आपने याद रखना है गुनेट्स एंड किडनी। किडनीज, पहला किडनी जैसे बनते हैं, दूसरा इससे क्या बनते हैं? गुनेट्स बनते हैं। अब किडनीज तो बन गए, इससे किडनीज कैसे बनते हैं भाई? मेसोडर्म से। मेसोडर्म के कैसे बनते हैं? इंटरमीडिएट मेसोडर्म से। अब किडनी जो यूरिन रिलीज करते हैं वो किस कैसे रिलीज करते हैं? यूरेट्रस के जरिए। तो यूरेट्रस भी कौन बनाएगा? इंटरमीडिएट मेसोडर्म। किडनी के अंदर यूरिन बना, फिर क्या हो गया? किडनी के अंदर यूरिन बना, फिर यूरिन किस के जरिए रिलीज होता है? यूरेट्रस के जरिए, किडनी से। किडनी से सही है, यूरेट्रस के जरिए। फिर दूसरा क्या रखना है? गुनेट्स। अगर गुनेट्स हम मेल की बात करें तो, और फीमेल की बात करें तो ओवरीज। सही है। अब जिस तरह किडनी में यूरिन फॉर्मेशन हुई फिर वो रिलीज हुआ यूरेटर के जरिए, इसी तरह टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन हुई फिर वो रिलीज किसके जरिए होगा? डक्टल सिस्टम, एपिडेडमस और वैस डेफरेंस। तो ये भी कैसे बनती है? इंटरमीडिएट। मतलब जिस इधर क्या बन रहा था? यूरिन। तो किडनीज को, किडनीज को कौन बनाएगा? इंटरमीडिएट। फिर उससे जो चीज ड्रेन आउट हो रही है, जो चीज डक्ट बाहर जा रही है, वो भी इंटरमीडिएट मेसोडर्म से। तो टेस्ट गुनेट्स, मेल्स की बात करें तो टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन रहा है, स्पर्म को बाहर लेके कौन जा रहा है? बिल्कुल इसी तरह एपिडर्मिस एंड वैस डेफरेंस, तो वो भी कौन बनाएगा? इंटरमीडिएट। और अगर फीमेल की बात करें ओवरीज, ओवरी में एग फॉर्मेशन फिर किस नाली किस लिए जाती है? फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब को कौन बनाएगा? और यूट्रस को कौन बनाएगा? इंटरमीडिएट। लेकिन वजाइना जो है ना वो एंडोडर्म से बनती होती है, ये हम कल पढ़ेंगे। सही है। तो ये सिंपल इसका था कि किडनीज और गुनेट्स याद रखने हैं। किडनी, तो किडनी से जो चीज यूरिन को बाहर लेके जाती है यूरेट्रस, वो भी उसी से। गुनेट्स मेल्स हो तो, मेल्स हो तो टेस्टिस, टेस्टिस से जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो कौन लेके जाता है? एपिडर्मिस एंड वैस डेफरेंस। फीमेल्स हो तो ओवरीज, ओवरीज से जो एग फॉर्मेशन है वो कौन लेके जाता है? फैलोपियन ट्यूब यूट्रस। वजाइना एंडोडर्म से बनती है, कल पढ़ेंगे। ओके Now we'll talk about the lateral plate mesoderm. Little bit tough, not too much, but थोड़ा सा घुमाने वाली है, थोड़ा सा फोकस करके बैठेंगे तो हो जाएगा। मेसोडर्म की लास्ट टॉपिक है इसका। अब वो कहता है the embryo undergoes folding in the median and horizontal plane. अब ये median और horizontal plane में इसकी folding होगी, कि इसका जो head है, head यानी cranial और caudal, ये आपस में मिलेंगे, आपस में किसको किस करना चाहेंगे, और जो आपके लैटरल साइड्स हैं, लैटरल साइड्स हैं ये वाले लैटरल फोर्स, ये भी आपस में दूसरे को किस करना चाहेंगे। इस यार हाँ किस करना चाहेंगे, बट बी पॉजिटिव डॉक्टर माउस अब्दुल्ला, आज आप खूबसूरत लग रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है आपको अच्छी बोला जाए यार, स्टडी है, फोकस करें यार। तो क्यों जी डॉक्टर साहब, समझ आ रहा है? की बात है, क्या समझ आ रहा है? किस हो रही है? ओ भाई टॉपिक समझ आ रहा है। हाँ किस हो रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा।
अब देखो इल्जाम मेरे ऊपर, मैं करवा रहा हूँ। भाई मैं कहाँ करवा रहा हूँ, ये आपका किया घर धरा है, वो आप जायगोट आप खुद बनाते हैं। आप जायगोट ना बने किसिंग भी नहीं होगी यार। ओ भाई जायगोट ना बने, एम्ब्रियो ना बने, ये किसिंग होगी, ये फोल्डिंग होगी, तो मेरे ऊपर क्यों इल्जाम दे रहे हैं? वो डॉक्टर जुबैर कह रहे हैं सर आप करा रहे हैं, कुदरत का निजाम है यार। चले चले वापस आ जाए, वापस आ जाए। डॉक्टर अरसलान बड़े सीरियस होकर बैठे हैं, नहीं चले वापस आ जाए। अब फोल्डिंग दो तरह की, एक मीडियन एक हॉरिजॉन्टल। वो कहते हैं एम्ब्रियो अंडरगो फोल्डिंग इन द मीडियन एंड, क्या हुआ डॉक्टर जुबैर, इन द मीडियन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेस, क्योंकि रैपिड ग्रोथ हो रही होती है तो दो तरह की होती है। एंड इट ट्रांसफॉर्म द एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो को एक ट्राइलेमिनल डिस्क से, पहले ट्राइलेमिनल डिस्क था ना, इसकी क्या थी एक्टोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म, अब उससे ये सिलेंड्रिकल एम्ब्रियो बन जाएगा। कैसे बना, थोड़ा सा मैं खुद स्केच बनाता हूँ कि ये आपकी एक्टोडर्म, ये मेसोडर्म, यू समझ लें मेसोडर्म, और ये आपकी एंडोडर्म। अब जब इसकी फोल्डिंग होगी तो किस तरह की फोल्डिंग होगी, फोल्डिंग किस तरह की, अब ये ट्राइलेमिनल डिस्क है ना, ट्राइलेमिनल डिस्क है, अब इसकी फोल्डिंग किस तरह होगी कि ये वाला हिस्सा ऐसे मूव करता हुआ, ये एक्टोडर्म का ये ऐसे, आप उसमें किस करना चाहेगा इस तरह, तो ये एक सिलेंडर बन जाएगा। अब ये एंडोडर्म भी इसी तरह सिलेंडर नुमा, जो एक्टोडर्म है अब मेसोडर्म है, अब मेसोडर्म की आपको ये यहां पे पैराक्सियल, यहां पे इंटरमीडिएट, और यहां पे लैटर, लैटर के दो हैं, ऊपर वाली क्या कहलाती है सोमैटिक, और नीचे वाली क्या कहलाती है, नीचे वाली बोले ना स्प्लेनिक, नीचे वाली स्प्लेनिक। अब ये ऊपर वाली एक्टोडर्म की तरफ है, तो ये एक्टोडर्म की तरफ इस तरह मूव करती हुई आएगी, है ना, इस तरफ, और इधर से भी तो होगी ना ऐसे, और इधर से नीचे वाली किसकी तरफ, एंडोडर्म की तरफ, और इधर से भी होगी ये इस तरह। तो देखिए पहले ट्राइलेमिनल डिस्क था, क्या था, एक्टोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म, अब क्या क्या बन गया सिलेंडर नुमा, अब क्या बन गया सिलेंडर नुमा, कि ये बाहर वाली आपकी क्या हो गई एक्टोडर्म, फिर अंदर वाली एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंडोडर्म, और मिडल वाली ये उसका पैराक्सियल इंटरमीडिएट, और जो लैटरल था उसकी बाहर वाली क्या होगी सिमेट्रिक, जो एक्टोडर्म की तरफ होगी, और अंदर वाली स्प्लेनिक जो एंडोडर्म की तरफ होगी। समझ आ गई है, और इन दोनों के बीच में ये कैविटी बन जाएगी, ये वाली है ना, ये कैनाल बन, ये कैविटी बन जाएगी किसके बीच में, इसके सिमेट्रिक और स्प्लेनिक के बीच में ये कैविटी बन जाएगी ना, क्योंकि ये दोनों इस तरफ चले गए, ये इधर चला गया, इधर बीच में गैप आ गया इनके बीच में, हैं, तो ये गैप कैविटी बनाएगा, दैट इज कॉल्ड इंट्रा एम्ब्रियोनिक, इसको क्या बोलते होते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक सैलून या कैविटी। ओके, अब इसको मैं यहां से पढ़ाता हूं, जो मैंने लिखा हुआ है और जो मैंने डायग्राम पहले से ऐड कर रखी है, यहां से पढ़ाता हूं। तो वो कहता है कि फोल्डिंग होती है किस तरह की, दो तरह की, मीडियन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और ये ट्रांसफॉर्म करता है ट्राइलेमिनल डिस्क को सिलेंड्रिकल एम्ब्रियो बना देता है। समझ आ गया। अब पहले वो कहते हैं फोल्डिंग होगी मीडियन प्लेन में एंड प्रोड्यूसेस द हेड एंड टेल फोल्ड्स, मीन दैट हेड ये इस तरह मीडियन प्लेन में, हेड और टेल आपस में क्या करेंगे फ्यूज होंगे, इस वाले प्लेन में मिलेगा, विच कैन बी रियलाइज इन द सैजिटल सेक्शन। ये बस एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें कि ये फोल्डिंग जो मीडियन फोल्डिंग है वो किस सेक्शन में दिखाई देगी, सैजिटल सेक्शन में। उसके बाद फोल्डिंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रोड्यूसेस राइट एंड लेफ्ट लैटरल फोल्ड, तो ये लेफ्ट लैटरल ये क्या करेंगे आपस में इस तरह मिलेंगे, विच फ्यूज एट द मीडियल प्लेट, फिर वही बात है कि ये और ये फोल्डिंग एक ही साथ होंगी तो क्या बन जाएगा सिलेंड्रिकल, जिसको हम क्रॉस सेक्शन में देख सकते हैं। सही है, वो सैजिटल सेक्शन था, ये क्रॉस सेक्शन है। वो पूछ सकते हैं कि मिडिल प्लेन किस में दिखाई देता है, सैजिटल सेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल प्लेन क्रॉस सेक्शन में। उसमें क्या होता है कि टेल एंड हेड मिलते हैं, इसमें राइट एंड लेफ्ट लेटरल फोल्ड मिलते हैं, दोनों के नतीजे में क्या बन जाता है सिलेंड्रिकल, दोनों के नतीजे में क्या बन जाता है, दैट्स इट। ओके, अब दिस फोल्डिंग मेक्स द मोर प्रोमिनेंट, तीन तरह की चीजें। अब इस डायग्राम पे फोकस करें, जो मैंने डायग्राम स्केच किया उसको मैं यहां पे एक्सप्लेन करने लगा हूं। समझ आ रहा है ना? नहीं समझ आ रहा? समझ आ रहा है? अच्छा, ये आपकी क्या होगी न्यूरल ट्यूब, उसके नीचे क्या होता है नोटोकॉर्ड, और ये सबसे ऊपर वाली ब्लैक वाली ये एक्टोडर्म, और सबसे नीचे वाली ये वाली एंडोडर्म हो गया। अब एक्टोडर्म एंडोडर्म हो गया, न्यूरल कैनाल, न्यूरल ट्यूब, एंडोडर्म, नोटोकॉर्ड हो गया। अब हम जो मेन पढ़ रहे हैं वो कौन सी है, मेसोडर्म। अब मेसोडर्म का सबसे ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, पैराक्सियल, ये हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद ये वाला इंटरमीडिएट, ये भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने कौन सा पकड़ा, लैटरल। अब लैटरल के फिर पार्ट्स हैं कि ये ऊपर वाला एक, ये वाली ब्लू लाइनिंग, ये वाली दैट इज कॉल्ड
सोमैटिक प्लूरे और ये वाली ब्लू लाइन, ये वाली अंदर वाली जो कि एंडोडर्म की तरफ है, दैट इज स्प्लेनिक प्लूरे, और ये बीच में ये वाली जो कैविटी है, दैट इज कॉल्ड इंटरएम्ब्रियोनिक कैविटी। सो सिंपल। और आपने इस तरह की डायग्राम याद रखनी, क्योंकि वो इस तरह की डायग्राम देखे ना आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज दिस लेयर्स। आपने बुक की डायग्राम याद रखनी होती है, सही है, ओके। अब देखें, और यहाँ नीचे की तरफ क्या होता है, हमेशा यॉर्क सैक, और ऊपर की तरफ एम्ब्रियोनिक कैविटी, याद है। डॉर्सल साइड पे क्या होती है एम्ब्रियोनिक कैविटी, और वेंट्रल साइड पे क्या होती है यॉर्क सैक। ये तीन पार्ट्स बने, ये वाले तीन पार्ट्स, इंट्राएम्ब्रियोनिक सिलूम, सोमैटिक फ्लोरा, या इसको हम, अच्छा, सोमैटिक फ्लोरा जो होता है उसको हम सोमैटिक मेसोडर्म भी बोलते हैं टुवर्ड्स द एक्टोडर्म, और स्प्लेनिको फ्लोरा या इसको स्प्लेनिको मेसोडर्म टुवर्ड्स द, दैट्स इट। अब याद क्या रखना है, दो चीजें हमने पढ़नी है, उसके बाद खत्म हो गया। सोमैटोप्लोरा से क्या बनता है, और स्प्लेनिकफ्लोरा से क्या बनता है। भाई एक बात याद रखनी, भाई एक बात याद रख ले, आउटर लेयर कौन सी है, एक्टोडर्म की तरफ कौन सी है, एक्टोडर्म बाहर वाली होती है ना, टॉप वाली सोमैटो, और दो तरह की लेयर होती है, एक पेरिटल लेयर होती है ना, और दूसरी कौन सी होती है डक्टस बाहर, हाँ जी बताएं, मोबाइल से खेलें, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। दो तरह की लेयर होती है, एक पेरिटल लेयर होती है, दूसरी कौन सी होती है। अच्छा मुझे ये बता दे, जो सीरस लेयर होती है आपके हार्ट की, सीरस लेयर, पहले सबसे आउटर होती है फेब्रस, फिर उसके बाद होती है सीरस पे, सीरस पेरिकार्डियम की दो लेयर्स होती है विजरल, तो एक पेरिटल होती है, दूसरी कौन सी होती है विजरल। तो जो आउटर होती है वो कौन सी होती है पेरिटियल, और जो इनर होती है वो कौन सी होती है विजरल। ओके फिर मोबाइल उठा लिया है, तो आउटर लेयर कौन सी होती है पेरिटियल, और इनर कौन सी होती है विजरल। तो इनमें से आउटर कौन सी है, सोमैटिक के स्प्लेनिक, सोमैटिक आउटर है, तो सोमैटिक से आप याद रखने, ये पेरिटियल लेयर बनाएगी, क्या बनाएगी, और जो स्प्लेनिक है वो क्या बनाएगी विजुलर लेयर, दैट्स इट, दैट्स इट। तो आपकी बॉडी की जितनी भी कैविटीज हैं, उनकी जो पेरिटियल लेयर है वो कैसे बनेगी, सोमैटिक से, और जो हमारी बॉडी की जितनी भी कैविटीज हैं उनकी जो पेरिटियल विजुलर लेयर है वो कैसे बनेगी। अगर कोई कैविटी होती है तो उसके इर्द गिर्द लाइनिंग होती है, जैसे आपकी लंग्स है, तो लंग्स के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है, प्लूरा होता है, उसकी जो बैर वाला प्लूरा होता है दैट इज कॉल्ड पेरिटल प्लूरा, जो अंदर वाला होता है दैट इज कॉल्ड, तो जो पेरिटल प्लूरा है वो कैसे बनेगा सोमैटिक से, जो विजरल प्लूरा है वो कैसे बनेगा स्प्लेनिक से। इसी तरह मैं अभी मिसाल दे रहा था सीरस पेरिकार्डियम, हार्ट के अंदर जो लेयर होती है वो जो उसकी आउटर होती है वो कौन सी होती है पेरिटल, पेरिटल कैसे बनी होती है सोमैटिक से, और जो विजरल होती है वो कैसे बनी होती है स्प्लेनिक से, सही है। और इसी तरह आपकी एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी की फिर दो, जो आपकी आउटर दो पेरिटल है वो कैसे बनी होती है सोमैटिक से, और जो विजरल है वो कैसे बनी होती है, याद आ गया, याद हो गया, ये दो चीजें याद रखनी है इसके बारे में जो फेमस है, याद खुद बता रहा है। सोमैटिक कौन सी है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म की तरफ है, आउटर की तरफ है, तो आउटर वाली कौन सी होती है पेरिटल, तुम्हारी बॉडी की जो भी पेरिटल लेयर्स है वो कैसे बनेगी, और जो विजरल है वो किसकी तरफ है एंडोडर्म, अंदर की तरफ, तो अंदर कौन सी होती है विजरल, जो विजरल लेयर्स है वो कैसे बनेगी, दैट्स इट। तो देखिए सोमैटो, इसलिए हम इसको पेरिटल मेसोडर्म भी बार दफा बोलते हैं, अगर वो पूछ लिया पेरिटल मेसोडर्म कौन सी है तो आप कहें कौन सी है सोमैटिक। It is located beneath the ectoderm and give rise to parietal layers of the body cavity like parietal pleura, parietal pericardium and parietal peritoneum. Body के आपकी जो abdominal cavity है. It also gives rise to sternum. ये भी याद रखना आपने. Sternum को भी कौन बनाता होता है? Parietal somatic. तो sternum कैसे बनती है भाई? बताएं. Somatic mesoderm से. या mesoderm से. ऐसे कह सकते हैं. उसके बाद then somatic mesoderm moves into limbers. अच्छा limbers क्या होते हैं कि let's suppose ये आपका cylindrical वो है, ये हम आगे पढ़ेंगे, इस तरह के limbers बने होते हैं, इस तरह के limb, इस तरफ भी, इस तरफ भी। अब जो आपकी जो ये आपकी somatic जो mesoderm है, ये इनके cells move करके किस में जाते हैं, इन limbers में जाते हैं, कहाँ जाते हैं limbers में, और फिर इनसे क्या बनती है limbs बनती है, क्या बनती है limbs. इसी तरह upper limb बनती है और इसी तरह lower limbs बनती है, सही है। तो ये और limbs का क्या बनाते हैं bones और cartilage, अपर लिम्स और लोअर लिम्स क्या बनाते हैं बोन्स और कार्टिलेज। तो सोमैटिक प्लूरा से क्या बनती है, सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है पेरिटियल लेयर पूरी बॉडी कैविटीज की, दूसरा स्टर्नम, और तीसरा अपर लिम्स और लोअर लिम्स की बोन्स एंड कार्टिलेज, दैट्स इट। स्प्लेनिक विजरल, सबसे पहली बात नियर द एंडोडर्म, तो गिव्स राइज टू विजरल लेयर्स, ओके। उसके बाद इससे कुछ चीजें बनती है आपको याद रखनी पड़ेंगी, एड्रेनल कॉर्टेक्स बनाता होता है ये, सही है। उसके बाद ये स्प्लीन, उसके बाद स्मूथ मसल्स ऑफ जीआईटी, उसकी विजरल लेयर, ओके।
इट ऑल्सो डिवेलप द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कैसे आता है? स्पेलिंग से, मीन दैट लेटरल मेसोडर्म से और मेसोडर्म से आता है. उसको हम डिटेल में सीबीएस की एम्ब्रियोलॉजी में देखेंगे. सही है कि डिटेल में ये कैसे बनता है, बस इतना देख लें कि आपकी स्प्लेनिक मेसोडर्म वो क्या बनाती है, सीबीएस. और इट ऑल्सो गिव्स राइज टू वो वाले सेल्स जो रेड बोन मैरो से बनते हैं. रेड बोन मैरो से सेल्स बनते हैं, वो कौन से होते हैं? आपके मेलॉइड स्टेम सेल्स. मेलॉइड स्टेम सेल्स क्या बनाते होते हैं? रेड बोन मैरो के मेलॉइड स्टेम सेल्स क्या बनाते होते हैं? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिनोफिल्स. तो ये सेल्स कहां से बनते हैं? स्प्लेनिक मेसोडर्म से बनते होते हैं. और स्प्लेनिक मेसोडर्म से मेलॉइड स्टेम सेल्स बनेंगे, फिर इनसे क्या बनेंगे? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिनोफिल्स. इसी तरह आपके लिम्फोइड स्टेम सेल्स, ये कैसे बनते हैं? स्प्लेनिक मेसोडर्म से. स्प्लेनिक मेसोडर्म क्या बनेगी? लिम्फोइड स्टेम सेल्स. फिर लिम्फोइड स्टेम सेल्स क्या बनाएंगे? बी एंड टी लिम्फोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स. उसके बाद एरिथ्रोसाइट स्टेम सेल्स, आरबीसीज बनेंगे, ये भी कैसे? उसी से. तो रेड बोन मैरो के जितने भी स्टेम सेल्स है, कौन कौन से? मेलॉइड स्टेम सेल्स, लिम्फोइड स्टेम सेल्स एंड एरिथ्रोसाइट स्टेम सेल्स. ये कैसे बनते हैं? स्प्लेनिक मेसोडर्म से. फिर आपको पता है मेलॉइड स्टेम सेल से क्या बनता होता है, लिम्फोइड स्टेम सेल से क्या, एरिथ्रोसाइट स्टेम सेल से क्या बनता होता है. ओके, तो ये था आपका ये सारा जो है ना स्प्लेनिक, सॉरी मेसोडर्म. मेसोडर्म मेसोडर्म के तीन पार्ट्स, पैराक्सियल, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद लैटरल. और उसके हमने पार्टीशन करके उनको डिटेल में देखा. कोई चीज समझ आई हो तो बताएं, पूछे. अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड. जूम पे किसी को समझ आए तो पूछे. अच्छा, लास्ट में देख लें, अगर ज़रा चीज याद नहीं हो रही तो एक फार्मूला बताता हूँ, वो याद रख लें. मेसोडर्मल सेल्स, मेसोडर्म से क्या बनते हैं? मेसोडर्मल सेल्स बनते हैं. एम से मेलॉइड स्टेम सेल्स, ई से एरिथ्रोसाइट स्टेम सेल्स, एस से स्प्लीन, ओ से गुनेड्स का ओ, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज, और जब वो आएंगे तो एपिडर्मिस, और वो चीजें भी आपको याद हो जाएंगी सारी वाली. सही है. और डी से डर्मिस, स्किन, स्किन की तरफ, वो जो न्यूरल ट्यूब की तरफ मूव करके जाते हैं वो सेल्स, याद आ रहा है? फिर उसके बाद ई से इंटायर ट्रंक, ट्रंक याद आ रहा है, ये सेल्स, स्केलेटल सेल्स. उसके बाद रेनल सिस्टम, किडनीज और यूरेटर्स. उसके बाद मेनिंजीज, स्पाइनल मेनिंजीज, याद आ रही है? उसके बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स. एड्रिनल कॉर्टेक्स कैसे बनता है भाई? स्प्लेनिक मेसोडर्म से. स्प्लेनिक मेसोडर्म से. उसके बाद लिम्फोइड स्टेम सेल्स, अभी पढ़ा. लिम्फोइड स्टेम सेल्स के साथ आप लिम्फ नोड भी याद रख सकते हैं, लिम्फ नोड भी इसी से बनते होते हैं. उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सी से. ई से एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम लाइनिंग इसी से बनती है. लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज, विसरल एंड पेरिटियल. पेरिटियल सोमैटिक से, विसरल स्प्लेनिक से. और लिम्स, अभी हमने पढ़ा, लिम्स भी इसी से बनती हैं. और स्मूथ मसल्स ऑफ जीआईटी, विसरल लिम्स कैसे बनती होती हैं? स्प्लेनिक से. दैट्स इट. अगर कुछ और याद रखना तो मेसोडर्म से मेसोडर्मल सेल्स याद रखें. And that's it, finished. काम खत्म. तो आज के लेक्चर खत्म हो. अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछे. कल हम डेरिवेटिव्स ऑफ एंडोडर्म, परसों फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, जनरल एम्ब्रियोलॉजी खत्म. फिर उसके बाद हमने सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी. वो तो सिस्टम में पढ़ते जाएंगे ना. सही है. कोई क्वेश्चन हो तो पूछे. कोई क्वेश्चन नहीं हो तो वेल एंड गुड. क्लास जूम पे किसी का क्वेश्चन है? जूम पे किसी का कोई क्वेश्चन है भाई? हाँ जी, जूम पे अगर किसी को क्वेश्चन तो पूछें. अगर समझ आ गया तो थंब दें ताकि हम जो है ना क्लास डिसमिस करें. चलें जी, क्लास डिसमिस. कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, क्लास डिसमिस ही करें.